हमारे बुद्धिपुर गांव में प्रभावती देवी एक गरीब परिवार में जीवन यापन कर रही हैं और दूसरी तरफ नहर की समस्या भी झेल रही हैं। और ये प्रभावती देवी ही नहीं बल्कि गांव के काफ़ी लोग उससे पीड़ित हैं। आपके खेत के बगल में जो नहर का खुदाई बाटे इसे आपके कुछ फायदा है बा? नहीं। तो कितना दिन भाई नहर खुदाई? अरे मजे दिन होत हो कि पानियों कहिए का बंद बा, कहाँ उमन नहरी में पानियों आवत है। इन नहरा खुदाई के बाद आपके का दिक्कत भय? बहुत दिक्कत भल, यह पार हो गया वह पार हो गया और अनाज पानी भी नहीं होता, ओकरा तो यह परेशानी बा। यानी भराई कैसे करत हैं आप? भराई आई ट्यूबवेल से आई तो भराई, नहीं तो पाइप लगाई के भराई, बहुत परेशानी बा। आपके पता भाई नहरा कितना दिन पहले खुदान है? हाँ भीषण बारिश हो गया। एकरे पहले नहर खुदाई के पहले आपका फसल कैसन होत रही? फसल हुआ जब पानी पाई तो तनी कुछ होबो कर, ना पानी पाई तो कुछ ना हो। और काना से वही में से नहर शहर गल बा और नहरी में नहर का पानी हमें मिलत नहीं बा, खेत नहर नीचे हो गल बा, खेत ऊपर हो गल बा। यानी नहर का फायदा आपके पानी को कुछ मिला बा कि नहीं? नहीं कुछ नहीं मिला बा। सब दोस्तों किसान हैं जिन जिनके खेत नहर में गए हैं और नुकसान भी हुए हैं, कुछ किसानों का मुआवजा भी मिला है, कुछ का नहीं मिला है। जैसे नहर में पानी न आने से लोगों को क्या परेशानी हो रही है? सिंचाई समय पर नहीं हो पा रही है नहर की से न पानी न मिलने से, और निजी पंपिंग सेटों से और अन्य साधनों से सिंचाई करते हैं किसान, परेशानी रहती है हर तरह की। यह वीडियो मैं इसलिए बनाई हूँ क्योंकि इसके पहले जब पानी आ रहा था नहर में तो फसल काफ़ी अच्छा पैदा हो रहा था, लेकिन नहर में पानी न आने के कारण काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं फसल के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि नहर विभाग अधिकारी उचित कार्यवाही करें। ESK सिंह सिंचाई खंड अधिकारी का कंटेक्ट नंबर 054-52-0119 पर कॉल करके मेरी मदद करें। मैं उषा पटेल, ग्राम बुद्धिपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया नहर के लिए।